हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं केदारनाथ भट्टाचार्य जी वर्सेस गौरी मोहम्मद केस, जो कलकत्ता हाई कोर्ट ने 1886 में डिसाइड किया था। यहाँ पे हैं हावड़ा टाउन हॉल फंड कमेटी, जिन्होंने डिसाइड किया कि हावड़ा सिटी में एक टाउन हॉल बनाते हैं। लेकिन इनके पास टाउन हॉल बनाने के लिए फंड्स तो था नहीं, सो यहाँ पे एक मेंबर थे यहाँ के ट्रस्टी, जो कि हाई कमिश्नर भी थे, केदारनाथ भट्टाचार्य जी। इन्होंने सजेस्ट किया कि क्यों ना हम पब्लिक में सब्सक्रिप्शन प्लान्स बांटें, जिससे हमारे पास फंड्स काफ़ी इकट्ठा हो जाएंगे। इन्हें फंड्स की ज़रूरत थी 24,000 की। इन्होंने सब्सक्रिप्शन प्लान बांटना स्टार्ट कर दिया। इनके पास 24,000 इकट्ठा हुए, उससे ज़्यादा हो गए, इनके पास 40,000 फंड्स इकट्ठा हो गए। इन्होंने पहले सोचा था कि हमें एक छोटा सा टाउन हॉल बनाना है अकॉर्डिंग टू दियर फंड। अब इनके पास बहुत ज़्यादा फंड्स हो गए, बहुत सारे सब्सक्रिप्शन प्लान्स इनके खरीद लिए गए, तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम एक बड़ा टाउन हॉल क्रिएट करें। सब कुछ डिसाइड होने के बाद उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया टाउन हॉल बनाने का। कॉन्ट्रैक्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया, जिसमें एक पार्टी कॉन्ट्रैक्टर की है, दूसरी पार्टी ट्रस्ट और बाकी के जो सब्सक्राइबर्स थे उनकी। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद टाउन हॉल बनाने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। लेकिन अभी देखिए क्या होता है। ये है मिस्टर गौरी मोहम्मद। इन्होंने भी सब्सक्रिप्शन प्लान ले रखा था 100 रुपीज़ में। जब इनके पास भट्टाचार्य जी पैसे कलेक्ट करने के लिए जाते हैं, तो ये मना कर देते हैं, कहते हैं हम नहीं देंगे क्योंकि इसमें हमारा कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। ये मना कर देते हैं उन्हें, तो ये भट्टाचार्य जी चले जाते हैं कोर्ट, इनके अगेंस्ट सूट फाइल करते हैं। इसमें गौरी मोहम्मद कहते हैं कि ये जो भट्टाचार्य जी हैं, इन्होंने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कैसे किया? ये जो मैंने प्रॉमिस किया था, ये तो चैरिटेबल पर्पस के लिए किया था, मेरा इसमें कोई बेनिफिट है नहीं, तो कंसिडरेशन नहीं हुआ। कंसिडरेशन नहीं फॉर्म हुआ तो बिना कंसिडरेशन के कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है क्या? बेचारे भट्टाचार्य जी इस स्मॉल कॉस्ट कोर्ट में केस हार जाते हैं। फिर वो निराश होकर जाते हैं कलकत्ता हाई कोर्ट। यहाँ पे भी इशू सेम है कि क्या प्लेंटिफ का सूट मेंटेनेबल है या नहीं लीगली, क्या डिफेंडेंट लायबल होगा प्लेंटिफ को उसने जो भी प्रॉमिस किए थे वो पैसे देने के लिए या नहीं। फिर यहाँ कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया। उन्होंने कहा कि हाँ, वो लायबल होगा इवन ये सूट भी लीगली मेंटेनेबल है, उसका कोई भी पर्सनल बेनिफिट नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो उसने प्रॉमिस किया है और उसकी जो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है उससे वो फ्री हो जाएगा। सो हमें इस केस के फैक्ट्स और जजमेंट्स को देख के और समझ के ये पता चलता है कि अगर कोई भी काम प्रोमिसर के रिक्वेस्ट पे किया गया है तो ये एक अच्छा कंसिडरेशन माना जाएगा, इवन वो प्रोमिसी के पर्सनल बेनिफिट के लिए हो या नहीं हो। Act done at request of promisor is a good consideration for his promise, even though it is of no personal significance or no benefit to him. Thank you friends for watching. Please subscribe and like if you like the video.